हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। सो हम कंटिन्यू करेंगे जो यूनिट टू है हमारे ECF जूलॉजी की, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पॉइजनस स्नैक्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं। तो जो कॉमन पॉइजनस स्नैक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं वो है कोबरा, कोबरा है, और उसके अलावा ट्रेट नहीं है, क्रेट है, क्रेट है, पिटलेस वाइपर है, पिट वाइपर्स है, सी स्नेक्स हैं एंड कोरल स्नेक्स हैं। ओके, सब में क्या होता है कि पॉइजन ग्लैंड होता है और इनका जो मैक्सिलरी टीथ है वो क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है इनटू फैंग्स। तो कौन सा टीथ यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है? मैक्सिलरी टीथ, ये याद रखना है। सो इनकी टेल जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, एक्सेप्ट सी स्नेक्स की चपटी होती है, जस्ट लाइक ईल्स जैसे होते हैं ये। और इनका हेड जो है वो शील्ड से कवर्ड होता है, नॉट स्केल से नहीं होता, शील्ड से कवर्ड रहता है। ओके, सो बाकी के कैरेक्टर्स इनके देख लेते हैं हम, और स्नैक्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन से हैं। तो सबसे पहला है कोबरा। कोबरा जो है, कॉमन इंडियन कोबरा को हम नाजा नाजा या फिर नाजा ट्राइपुडियंस कहते हैं। ये हमने जो है लैब में भी देखा होगा, स्पेसिमेन इसका रहता है नाजा नाजा का, और बहुत सारे लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा। सो मोस्ट कॉमन एंड डेडली पॉइजनस स्नेक है ये इंडिया का। ये दो कलर्स में जो है अवेलेबल होता है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में, और इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर तक लंबी है, ये जो है लंबा हो सकता है। इसका हेड स्मॉल एंड इनडिस्टिंक्ट होता है, इसकी पीपल जो है वो राउंड होती है, नेक जो है वो डायलेटेड होती है इनटू अ हुड, इस तरह से हुड जो है इसका होता है। एंड यहाँ पे ये सपोर्टेड रहता है बाय रिब्स, एंड इस पे जो है स्पेक्टिकल मार्क्स जो इस तरह से, जो इस तरह का एक मार्क होता है पीछे की तरफ जो इनका फन होता है उस पर। सो थर्ड सुप्रा लेबियल शील्ड जो है अपर लिप की, वो आई को टच करती है, नेजल शील्ड जो है उसको टच करती है ये, एंड सब कॉडल शील्ड जो है वो दो रोज में होती है। और इसके फैंग जो है वो इंटीरियर होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, एंड ग्रूव्ड एंड परमानेंटली इरेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब काम में नहीं आ रहे तो ये रेस्टिंग पोजिशन में आ जाए, नहीं, वो परमानेंटली इरेक्ट रहेंगे इसके जो फैंग्स है वो। और ये फीड करता है ऑन स्मॉल बर्ड्स, रैट्स एंड फ्रॉग एंड लिजर्ड एक्सेट्रा। सो ये हाईली जो है वेनमस होता है बहुत। तो चीफ एनिमीज जो है इसके हैं जंगल फॉल, जो इसके यंग ब्रूड्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अलावा मंगूस जो है, जो नेवला है, तो ये बचपन में कहानी सबने सुनी होगी, सांप और नेवले वाली, तो वही नेवला है जो इसका एनिमी है, एंड ये इसको मार सकता है। ओके, सो लार्जेस्ट एंड डेडलीस्ट वेनमस स्नेक जो है वो होता है किंग कोबरा, या फिर इसे हम जो है नाजा हैना कहते हैं, या फिर नाजा बंगारुस कहते हैं। सो ये जो है डीप जो फॉरेस्टेड एरियाज है वहाँ पर रहता है, और 4 मीटर तक लंबा हो सकता है ये। और ये मॉनिटर लिजर्ड्स पे फीड करता है, और उसके अलावा बाकी के स्नेक्स को जो है ये खाता है, इसलिए इसका नाम जो है किंग कोबरा है। देख लेते हैं, ये है कोबरा। एंड नेक्स्ट है क्रेट। क्रेट जो है ये पूरे इंडिया में पाया जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया क्रेट जो है। इसमें से कॉमन क्रेट जो है बैंगरस कैरुलस जो है ये ग्रो करता है 1.2 मीटर तक, और इसकी जो वर्टिब्रल हैं वो लार्ज हैं एंड हेक्सागोनल होती है, और फोर्थ इंफ्रालेबियल इज़ द लार्जेस्ट। सब कॉर्डल्स जो है इसके सिंगल हैं, एंड वेंट्रल सरफेस जो है इसका वाइट होता है। सो डॉर्सल सरफेस जो है वो ब्लूइश या फिर ब्राउनिश ब्लैक होता है, एंड नैरो वाइट क्रॉस स्ट्रीक्स इस पर प्रेजेंट रहती हैं। एंड देयर फैंग्स आर स्मॉल एंड वाउंड जो है वो इन्फ्लिक्टेड सुपरफिशियली जो है ये वाउंड करता है, क्योंकि स्मॉल फैंग्स है, बट ये 3 टाइम्स डेडलियर है देन द कोबराज। सो कोबरा से 3 टाइम्स जो है इसका ये जहर पॉइजन जो है वो ज़्यादा होता है। एंड बैंडेड क्रेट जो है बैंगरस फैसिएटस इज़ मोर रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्दर्न इंडियन, यानी नॉर्दर्न इंडियन में ये पाया जाता है ये वाली स्पीशीज़ जो है इसकी। और ये टेरिस्ट्रियल है, डाइयूरनल स्नेक है, और इसके अलावा ये फीड करता है ऑन एम्फीबियंस, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स एंड मैमल्स पे। ये है, इस पर येलो कलर की स्ट्राइप्स हैं, ब्राइट येलो कलर का, और ये बैंडेड क्रेट है। एंड ये जो है जो दूसरा जो बैंगरस फैसियस है, फैसिएटस, ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, और सॉरी ये नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है,
यहीं पर जो है मोस्टली पाया जाएगा नॉर्दर्न इंडिया में। इसकी बॉडी जो है वो मार्क रहती है विद ऑल्टरनेट ब्लैक एंड येलो। सो इसे ये और भी जो है इसको ड्रेडफुल अपीरियंस देता है ये। नेक्स्ट जो है ट्रू वाइपर या फिर पिटलेस वाइपर। वाइपर दो तरह के होते हैं, एक पिट वाइपर होता है और एक पिटलेस वाइपर है। तो ये लार्जेस्ट इंडियन पिटलेस वाइपर जो है वो होता है रसल वाइपर या फिर वाइपरा रसेली इसे हम कहते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर तक ये लंबा हो सकता है। हेड इसका डिस्टिंक्ट होता है, ट्राइंगुलर एंड फ्लैट एंड कवर्ड विद स्मॉल स्केल्स जो है ये इस पर प्रेजेंट रहती है। एंड नॉस्ट्रल इसके लेटरल हैं, ऑब्लिक एंड वेरी लार्ज है। और अपर सरफेस जो है बॉडी का उस पर 3 रो ऑफ लार्ज ब्लैक रिंग्स अपियर होती है जैसे कि चेन। तो इसे हम चेन वाइपर भी जो है नाम इसका कॉमन नेम है। इसके हेड पे एक येलो ए मार्क होता है एंड सब कॉर्डल शील्ड आर इन 2 रोज। फैंग्स जो है इसके लार्ज है, ट्यूबुलर हैं एंड इसके फैंग्स जो है जब यूज़ में नहीं हो तो वो रेस्टिंग पोजिशन में आ जाते हैं। और ये जो है लाउड हिसिंग नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है जब अटैक करता है व्हेन अटैक्ड एंड इट इज़ नॉक्टर्नल। ये नॉक्टर्नल है यानी निशाचर है, वीविपैरस है, थॉरली टेरिस्ट्रियल है एंड फीड्स चीफली ऑन माइस। दूसरी जो ये पिटलेस वाइपर है जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है उसका नाम है 21 कैरिनाटा। ये साउथ इंडिया में पाया जाता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन और ब्राउन ब्राउन होता है विद ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स। और इसकी बेली जो है वो वाइट होती है और इसका जो बाइट है वो फेटल नहीं होता मैन को, यानी उससे जो है ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होता यानी मरेगा नहीं इंसान। सो ये है वाइपर, स्पॉट्स इसके ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट है पिट वाइपर। पिट वाइपर जो है वो ट्रू या फिर पिटलेस वाइपर डिफर फ्रॉम द ट्रू एंड पिट वाइपर्स इन हैविंग ए लोरियल पिट होता है इनमें बिटवीन आईज एंड द नॉस्ट्रल ऑन आइदर साइड्स। तो यहाँ पे इनके पिट रहेगा इसलिए इनको पिट वाइपर कहते हैं। और ये जो लॉरियल पिट्स हैं ये सेंसिटिव रहते हैं टूवर्ड्स हीट, तो ये हीट सेंसिटिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं ये। बट दे रिजेंबल पिटलेस वाइपर इन पोजिशन ऑफ रोबस्ट बॉडी, ट्राइंगुलर हेड विद स्केल्स, ब्रॉड वेंट्रल्स एंड वेंट्रल वर्टिकल प्यूपल्स, सोनोलोग्लाइफ फैंग्स एंड विविपैरिटी। सो उनसे काफ़ी सिमिलर है। सो एंसिस्ट्रोडोन जो हिमालयन हिमालयनस है, ये ब्राउन हिमालयन पिट वाइपर है इंडिया का और वेरी कॉमन इन ईस्टर्न हिल्स एज वेल एज कश्मीर एंड ग्रो टू नियरली 70 सेंटीमीटर तक जो है ये ग्रो कर सकता है। और इसका हेड जो है उस पर शील्ड्स होती हैं, देन है लेशियस और ये लेशियस स्ट्राइगेटस। ये कॉमनली साउथ इंडिया में पाया जाता है एंड ग्रो अबाउट 45 सेंटीमीटर। और इसका स्नाउट जो है उस पर शील्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी बियर स्केल्स। और ये स्लाइटली जो है प्रीहेंसाइल टेल होती है इसकी एंड इन अ कॉनिकल स्केल। और कलर जो है इसका ब्राउन होता है विथ इरेगुलर डार्क स्पॉट्स। नेक पे जो है वाइट हॉर्स शू शेप का मार्क रहता है इनके और डार्क ब्राउन बैंड जो है वो बिहाइंड हर एक आई के नीचे जो है रन करते हैं। फिर है फेमस रैटल स्नेक क्रोटेलस, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इजली डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रैटल एट द एंड, झुंझुने जैसा रहता है इसके। और इसमें जो है 10 से 12 हॉर्नी होलो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि लूजली हेल्ड रहते हैं एक दूसरे से एंड लोकोमोशन के टाइम जो है जब चलता है तब रैटल स्नेक्स जो है ये रैटल जब वो स्ट्राइक होता है ग्राउंड में और रैटलिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करता है ये। सो ये है पिट वाइपर। देन है नेक्स्ट वाटर स्नेक्स या फिर सी स्नेक से हम कहते हैं। ये मार्शी एरियाज़ में पाया जाता है या फिर जो उसके आस पड़ोस के वाटर सोर्सेज है वहाँ पे पाया जाएगा एंड इट मे बी आइडेंटिफाइड रैदर शॉर्ट एंड स्टाउट बॉडी होती है विद अ लॉन्ग टेल। सो फ्रेश वाटर स्नेक्स जो है वो सारे नॉन पॉइजनस हैं। ओके, जितने भी फ्रेश वाटर स्नेक्स है वो सारे नॉन पॉइजनस है, जबकि सी स्नेक्स जो हैं कुछ सी स्नेक्स वो डेडली पॉइजनस होते हैं, हाईली पॉइजनस होते हैं। वाटर स्नेक्स पर्टिकुलरली द सी स्नेक आर ब्राइट कलर्ड होते हैं ये, जो कि बहुत सारी शेड्स में पाए जाते हैं फ्रॉम येलो टू ऑलिव ब्राउन। एंड कॉमन फ्रेश वाटर स्नेक जो है वो है ज़ेनोक्राइबिस
पिस्कैटर, एंड इसको जो है चेकर्ड कील बैक इसकी होती है, इसलिए इसको इसका जो कॉमन नेम है ये। सो सी स्नैक्स जो है वो पाए जाते हैं हमको ट्रॉपिकल पार्ट जो है इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में, एंड दे पास देयर होल लाइफ इन सी वाटर एंड आर हाईली पॉइजनस। सो ये ईल के जैसे दिखते हैं और इजीली इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय द एलिवेटेड एंड लेटरल कंप्रेस्ड ओर लाइक टेल्स, जो कि स्विमिंग के लिए सूटेड रहती हैं। और इनका फूड जो है उसमें स्मॉल फिश होती हैं, और इनका जो हेड है वो स्मॉल होता है और शील्डेड होता है ऊपर से, और आईज जो है वो स्मॉल है विद राउंडेड प्यूपल्स, नॉस्ट्रल जो है उनमें वो वॉल्वुलर होते हैं, एंड दे लाई एट द टिप ऑफ द स्नाउट टू परमिट ब्रीदिंग वाइल इन वाटर। सारे विवीपैरस होते हैं ये, और मोस्ट कॉमन इंडियन स्नेक जो है वो है हाइड्रोफिस, इसकी जो है 20 या फिर उससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। एंड लास्ट ये है वाटर जो सी स्नेक है, ये देख सकते हैं ये ईगल जैसा ही है। देन है कोरल स्नेक, कोरल स्नेक जो है वो स्मॉल स्नेक्स ऑफ कोबरा फैमिली, लिविंग इन सैंडी एरिया नियर सी बीचेस एंड ऑल द पॉइजनस, दे आर नॉट फैटल टू मैन, पॉइजनस है लेकिन जो है घातक नहीं है आदमी के लिए। सो कोबरा के जैसे ही इसमें भी जो है थर्ड सुप्रा लेबल जो है वो टच करती है आईको एंड नॉस्ट्रल को, बट हुड एंड स्पेक्टिकल मार्क जो है इस पर एबसेंट होते हैं। सो कॉमन साउथ इंडियन कोरल स्नेक हैमी बंगरस नाइजरेसेंस जो है 1.2 मीटर लॉन्ग हो सकता है ये, एंड कलर्ड जो है इसका ब्लैक या फिर ब्राउन होता है, अबव रेड जो है इसके नीचे से रेड होगा और ऊपर से जो है ये ब्राउन या फिर ब्लैक होगा। उसके अलावा कैलोफिश जो है वो 50 सेंटीमीटर लंबा होता है विदाउट लॉन्गिट्यूडिनल बैंड, बट विद एन अबाउट 40 नैरो इक्वी डिस्टेंट ब्लैक एंड वाइट एज जो है रिंग्स इसमें प्रेजेंट रहेंगी। सो ये है कोरल स्नेक, दिखने में काफ़ी सुंदर लेकिन पॉइजनस है। सो ये जो सारे स्नेक्स हमारे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट इनका जो बच गया है वो है इनका पॉइजन एपरेटस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।